Let's talk about receptors on the brain and the spinal cord. हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स जो फंक्शन करते हैं, गाबा एंड ग्लूटामेट. गाबा जो कि इनहिबिटरी रिसेप्टर है, जो इनहिबिशन कॉज करता है, और ग्लूटामेट ये एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. इनके रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो एक्साइटेशन कॉज करेंगे. अभी हम ग्लूटामेट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं. दो, नंबर वन मेटाबोट्रॉपिक, नंबर टू आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स. अभी जो हमारी डिस्कशन है वो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पर है, स्पेसिफिक है फॉर आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, और उनमें भी हम स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएंगे एम्पा और एनएमडीए रिसेप्टर्स पर कि ये दोनों फिर कैसे एक्शन करते हैं. अगर हम न्यूरॉन को ऑब्जर्व करते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट यहां पर मौजूद है वेसिकल में. जब ये फ्यूज होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज हो जाएगा. रिलीज होने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है, ये पूरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इस पर आपके पास मौजूद दो रिसेप्टर्स, एम्पा, ये वाला एम्पा रिसेप्टर, और ये एनएमडीए रिसेप्टर. जो एम्पा रिसेप्टर है ये स्पेसिफिक है फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, और एनएमडीए रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक है फॉर सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम आयंस. जैसे ही आपका न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट यहां से रिलीज होगा तो इन ग्लूटामेट के जो रिसेप्टर्स हैं, स्पेशली अगर एम्पा रिसेप्टर की बात करते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर जब बाइंड करेगा इसको एक्टिवेट करवाएगा. इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम आयन की इफ्लक्स होगी, पोटेशियम आयन की इफ्लक्स होगी. अगर ये सिग्नल बिल्कुल शॉर्ट आया तो ये क्या करेगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए सिग्नल को आगे भेजेगा, एक पोटेंशियल जनरेट करेगा जो इफेक्टिव नहीं होगा. उस पोटेंशियल को हम कहेंगे, एम्पा का जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल. अगर ये ग्रेडेड पोटेंशियल मजीद स्टिमुलेट होगा तो ये पे क्या हो जाएगा, ये एक्शन पोटेंशियल में जनरेट हो जाएगा. वो कब, अगर न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज एक्सेसिव अमाउंट होगी तो वो यहाँ पर पहली दफा इसको ओपन करवाए के एक्टिवेशन के बाद ये रिसेप्टर ओपन हो जाएगा. इसके ओपन होने से सोडियम आयन की इफ्लक्स होगी, मतलब ये कि ऐसा सिग्नल है कि जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, और ये जो रिसेप्टर है एम्पा ये कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट होगा, तो यहाँ पर ग्रेडेड की बजाय एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. इस एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन से आपका क्या होगा, जो एनएमडीए रिसेप्टर है वो खुल जाएगा. पहले क्यों नहीं खुला, पहले भी तो जो आपके ग्लूटामेट रिसेप्टर थे, अगर मैं यहाँ पर जीन्स ऑब्जर्व करूँ, ग्लूटामेट यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो यहाँ पर भी अटैच हो गए थे, यहाँ पर भी अटैच हो गए थे, मतलब वो एम्पा पर भी अटैच, एनएमडी पर भी अटैच. लेकिन फिर क्यों ये ओपन नहीं हुआ, बताया कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो सिग्नल प्री से आ रहा था वो वीक था, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज थी वो भी कम थी. जैसे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो रिलीज है वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो इफेक्ट दोनों को करेगा, लेकिन आपके जो रिसेप्टर्स एम्पा रिसेप्टर हैं उनको ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इंक्रीज हो जाएंगे. जब बहुत ज़्यादा सोडियम आयन आएंगे तो फिर क्या होगा, जो आपके एनएमडीए रिसेप्टर हैं इसको मैग्नीशियम आयन ने यहाँ पर क्लोज किया था, अगरचे यहाँ पर से पहले ग्लूटामेट रिसेप्टर ने दोनों को बाइंड किया था, एम्पा को भी एनएमडीए को भी, लेकिन एनएमडीए मैग्नीशियम आयन की वजह से क्लोज था. ये ओपन तब होगा जब आपका एम्पा रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा. इसकी स्टिमुलेशन कितनी होगी, एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगी. फिर आपका जो मैग्नीशियम आयन है वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम आयन यहाँ से हट जाएगा और आपके सोडियम कैल्शियम जो है वो इन्फ्लक्स करेंगे उसका, और पोटेशियम आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे. अभी जो कैल्शियम है ये क्या है, एज सेकेंडरी मैसेंजर जब अंदर आएगा, इसके दो फंक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. वो कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन की फॉस्फोरिलेट करवाएगा आपके एम्पा रिसेप्टर को. अगर एम्पा रिसेप्टर्स फॉस्फोरिलेट होंगे तो वो क्या करेगा, वो मजीद एक्टिव हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स और हो जाएगी सोडियम की, क्योंकि हमें इस इन्फ्लक्स चाहिए सोडियम की. और यही सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम जो है, इसने जब प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया उसने एक तो फॉस्फोरिलेशन करवाया चैनल को. अब ये प्रोटीन काइनेज जो एक्टिवेट है इसने क्या करना था,
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को न्यूक्लियस में फॉस्फो एलर्ट करवाया, जिसकी वजह से ये क्या होगा, यहाँ पर मजीद एम्पा रिसेप्टर्स बनेंगे। ये मजीद जो एम्पा रिसेप्टर्स बने, ये फिर क्या करेंगे, आपके सिर पर पहले एक एम्पा था, अभी दो तीन चार, मतलब ये कि आपके सिर को ये घेर लेंगे। जितने ज़्यादा एम्पा रिसेप्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इन्फेक्शन सोडियम होगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बनेगी, जिसको हम लोग कहते हैं LTP, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। जितनी लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन होगी, आपके सिनेप्स जो होगा बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक का जो कनेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से आपका जो सिग्नल है वो जनरेट होगा, और इसकी जब हम रिलेट करवाएंगे अपने मेमोरी के साथ, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी वो जनरेट होगी और आपका ब्रेन इफेक्टिव रहेगा। एक बात है, बिकॉज ऑफ सिनेप्सिस, जितना स्ट्रॉन्ग आपका सिनेप्सिस होगा उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रिलेशन होगी, उसको हम नाम देते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। साथ साथ एक बात है आपके ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन सेंस ऑफ मेमोरी, अगर आप लोग कहते हैं कि मेमोरी को जनरेट करें, उसके लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ब्रेन के लिए, आपका वाहद एक ये रूल है, जितना आप ब्रेन को यूज़ करोगे उतना ही आप क्या कर पाओगे, गेन कर पाओगे, आप सीख पाओगे। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। जब जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी क्या होगी, न्यूरोट्रांसमिशन का सिग्नल जाएगा, और जितना सिग्नल स्ट्रॉन्ग जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी मेमोरी की डेवलपमेंट होगी। इसीलिए आप ऑब्जर्व कर चुके होंगे, जितना हम किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं उतना वो चीज़ ब्रेन में स्टे करता है। दिस इज द वेरी कंसेप्ट फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो फैक्टर था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसने एम्पा रिसेप्टर्स बनाए। और एक और भी बात है कि यहाँ पर आप जानते भी होंगे कि जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें एग्जॉन के बाद यहाँ पर जो टेल फाइबर होते हैं यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं, और ये डेंड्राइट्स जो हैं ये भी बनते हैं मुसलसल। अगर आप मुसलसल क्या कर रहे होते हैं, मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं, ब्रेन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपकी मेमोरी की डेवलपमेंट यहाँ पर मुसलसल एक स्ट्रॉन्ग वे में डेवलप हो जाएगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूँ वो क्या है, कि आप अगर ब्रेन को यूज़ करोगे, यूज़ इट और लूज इट। आप ब्रेन को यूज़ करोगे, ओके, यूज़ किया आपने कुछ सीखा, यूज़ नहीं करोगे तो आप लूज़ कर जाओगे, भूल जाओगे। एक शॉर्ट रिव्यू ऑफ द कंप्लीट लेक्चर। रिसेप्टर्स हमारे पास दो हैं, गाबा ग्लूटामेट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर बात करते हैं, गाबा आपका इन्हिबिटरी, ग्लूटामेट आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और इनकी जो रिसेप्टर्स हैं स्पेशली अगर हम अभी फोकस जो कर रहे हैं वो मेटाबोट्रॉपिक और आइनोट्रॉपिक जो के टाइप्स हैं ऑफ द ग्लूटामेट रिसेप्टर। आइनोट्रॉपिक को मजीद फोकस करने के बाद उनके टाइप्स हमारे पास जो रिसेप्टर हैं ग्लूटामेट के लिए, जो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं वो दो हैं, एम्पा NMDA। इनका फंक्शन कैसा है, आपका न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर आपके पास मौजूद हैं एम्पा रिसेप्टर NMDA रिसेप्टर। एम्पा रिसेप्टर के एक्टिवेशन से सोडियम की इफ्लक्स होगी, प्रोडक्शन की इफ्लक्स होगी, और आपका जो रिसेप्टर है NMDA इसके एक्टिवेशन से सोडियम कैल्शियम की इफ्लक्स होगी, प्रोडक्शन की इफ्लक्स होगी। फॉर द वेरी फर्स्ट, जब आपका न्यूरो ट्रांसमीटर ग्लूटामेट यहाँ से रिलीज होगा, दोनों पर एक्शन करेगा, दोनों पर बाइंड करेगा, आपका एम्पा ओपन होगा, NMDA क्लोज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम आयन ने इसको बंद किया होता है। ये ओपन तब होगा जब ग्लूटामेट रिसेप्टर्स एक्सेसिव अमाउंट में आएंगे। क्यों? अगर एम्पा रिसेप्टर्स पर ग्लूटामेट थोड़े से बाइंड करेंगे तो वो ग्रेटर पोटेंशियल जनरेट करवाएंगे, और अगर आपकी ग्लूटामेट एक्सेसिव अमाउंट में आएंगे वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएंगे, जिससे क्या होगा, मैग्नीशियम आयन बिकॉज ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ था, इसको मैग्नीशियम को हटा देंगे तो सोडियम और कैल्शियम अंदर आएंगे। ये कैल्शियम एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट करवाएगा प्रोटीन काइनेसिस को, प्रोटीन काइनेसिस में क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट करवाएंगे आपके एम्पा रिसेप्टर को। अगर एम्पा रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट होंगे, वो एक्टिव होंगे, तो सोडियम आयन की इन्फ्लक्स होगी, जो कि हमें चाहिए। जितनी ज़्यादा इन्फ्लक्स होगी ऑफ सोडियम आयन, उतनी ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के चांसेस होंगे, और यही प्रोटीन काइनेसिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी फॉस्फोराइलेट एक्टिवेट करते हैं। वहाँ पर आपके मजीद एम्पा रिसेप्टर्स बनते हैं, और शायद ये बात भी कन्फर्म है कि आपके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वहाँ पर जब उसकी एक्टिवेशन होती है तो वो एम्पा रिसेप्टर के साथ साथ
डेंड्राइट्स को भी जनरेट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कॉन्टीन्यूसली इनको स्टिमुलेट करोगे, एक कॉन्टीन्यूस कॉम्बिनेशन रहेगा, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन रहेगा, तो न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट होती जाएगी और जिसकी वजह से आपकी ब्रेन में मेमोरी का जो स्टोरेज है वो इंक्रीज होता जाएगा और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके ब्रेन में स्टोर होगी।